दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे इस राख का इस्तेमाल करके एक सुपर फर्टिलाइजर बना सकते हैं, पावरफुल फर्टिलाइजर जिसको आप अगर एक बार अपने पौधों में दे दोगे फिर आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास करके ये आपके पौधों में सर्दियों में काफ़ी सुपर से सुपर मतलब कि बेस्ट फर्टिलाइजर माना जाएगा आपके पौधों के लिए। तो आज की वीडियो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको हमारे जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसकी आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं टेरेस फूड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले तो जैसे कि आप सामने देख सकते हैं हमारी राख रखी हुई है, तो आप सब लोगों के दिमाग में एक ख्याल तो आया होगा जरूर कि अब जो आपने राख ली है किस चीज़ के लिए, मतलब कि कौन सी चीज़ आपने जलाई फिर उसकी राख मिली। तो जैसे कि आप इसके अंदर दो चीज़ों की राख ले सकते हो। सबसे पहले तो कंडे वगैरह की आप राख ले सकते हो जिसे हम उफले कहते हैं। आप उफले को जला दो, जैसे कि सर्दियाँ चल रही हैं तो काफ़ी सारे लोग आग जलाते हैं, तो उसके अंदर आप जैसे कि उफले वगैरह भी जलाते होगे तो आप उफले वगैरह की राख भी ले सकते हो, कंडे वगैरह की राख। और अगर आप चाहते हैं लकड़ी वगैरह की तो आप लकड़ी वगैरह की भी राख इसके अंदर ले सकते हैं। तो दो चीज़ों की आप इसके अंदर राख ले सकते हैं। अब मैं बताता हूँ दोस्तों ये राख मतलब कि क्या, मतलब कि पौधों में ऐसा क्या फ़ायदा करती है जिससे कि हमें ये पौधों में देनी चाहिए। तो दोस्तों ये राख है ना, ये आपके पौधों में ना फॉस्फोरस की कमी जो होती है उसको रिमूव करती है आपके पौधों से। और दोस्तों ये काफ़ी गुड सोर्स माना जाता है फॉस्फोरस का आपके पौधों में। अगर आप इसको पौधों में देंगे डेली तो आपके पौधों में फॉस्फोरस की कमी नहीं होगी और आपका पौधा एकदम बेस्ट ग्रोथ करेगा। तो और दोस्तों जैसे कि आप इसको लिक्विड मतलब कि राख का लिक्विड फर्टिलाइजर बना के भी आप देख सकते हो, जिसको कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि आज हम पावर फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं, तो वो यही पावर फर्टिलाइजर है। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि मतलब कि किस चीज़ की आप राख ले सकते हो और कैसे कैसे आपके पौधों में ये क्या क्या काम करती है। अब आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आगे का प्रोसेस, जिसमें कि हम लोग राख का इस्तेमाल करके, जो आपके सामने राख है इसका इस्तेमाल करके हम लोग इसका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाएंगे और अपने पौधों में देंगे। तो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है आज की। तो वीडियो को दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ऐसी हमारी अगर जैसे कि और वीडियो अच्छी लगती है तो उसे शेयर कर दिया कीजिए, जिससे कि दोस्तों हमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन और मिलेगा अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और आप कमेंट कर दिया कीजिए जैसे कि आपको किसी भी वीडियो पर टॉपिक चाहिए नेक्स्ट, जैसे कि आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप एक बार कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। तो दोस्तों अब आगे का हम प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं राख रखी हुई है, अब हम चलते हैं। सबसे पहले तो हमें बकेट ले लेनी है, एक बकेट या कोई भी टब वगैरह ले लेना है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको इस राख के साथ करना क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको एक बकेट ले लेनी है या कोई टब ले लेना है, और उस टब के अंदर सबसे पहले आपको ये राख डाल देनी है। और इस राख को डालने के बाद आपको उस टब के अंदर, उस टब के या उस बाल्टी के अंदर 5 मग्गे पानी डालना है। तो मतलब कि आपको सबसे पहले तो ये राख जितने भी आपके पास है आपको, मतलब कि जैसे कि राख एक मग्गे के हिसाब से, मतलब कि आपको मैं पूरा रेशो बताता हूँ। जैसे कि आपके पास ये राख है, जैसे कि मेरे पास ये राख है, इसको सबसे पहले तो आपको एक मग्गे में डाल देना है। दोस्तों एक मग्गा आपको राख लेनी है प्लस 5 मग्गा आपको वाटर लेना है, तब दोस्तों आपको इसका मतलब लिक्विड फर्टिलाइजर बनाना है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि आपके सामने मैं अभी दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस बकेट के हमने, बकेट के अंदर हमने 5 मग्गे पानी ले लिया, और जो अब हमारी राख थी उसको हम इस बकेट के अंदर डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं इस बकेट के अंदर हमने राख डाल चुके हैं, और अब इस राख को हमें किसी भी लकड़ी की मदद से अच्छी तरह से डिसॉल्व करना है वाटर के अंदर। दोस्तों आप देख सकते हैं लकड़ी का हमने बड़ा पीस ले रखा है, और इसकी मदद से अब हम लोग इसको अच्छी तरह से वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, आप देख सकते हैं सामने। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आप इसके अंदर चाहें तो आरओ का वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर जैसे कि आप जो रोज़ पौधों में अपने पानी देते हैं वो वाला वाटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों एक बार आपको पीएच जरूर चेक कर लेना है कि आपका पीएच जो हो वो 7 ही हो, अगर 7 से ज़्यादा जाएगा तो वो दोस्तों आप अपने पानी में मतलब अपने मतलब गमलों वगैरह में नहीं दे सकते वो वाला ये लिक्विड वाला, और अगर उससे कम होगा तो आप अपने गमलों में से दे सकते हैं। और दोस्तों अगर जैसे बैकग्राउंड साउंड अगर आ रही हो ज़्यादा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अब आपको इसको अच्छी तरह से मतलब डिसॉल्व कर लेना है, थोड़ा बहुत टाइम दोस्तों डिसॉल्व करने में इसको लगेगा आपको, पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए। और दोस्तों ये काफ़ी बेस्ट फर्टिलाइज़र है दोस्तों सर्दियों के लिए, आपको इसके लिए 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर पर ही आप इसको तैयार करके अपने पौधों में दे सकते हैं। और दोस्तों आप देखते हैं आप लोग मिक्स कर देखते रहिए, दोस्तों मिक्स कर रहे हैं हम लोग इसे, और फिर मिक्स करने के बाद इसे अपने पौधों में देंगे। और दोस्तों मैं वो भी दिखाऊंगा कि हम अपने कौन से पौधों में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप देखिए अब हम इसे
मिक्स कर रहे हैं बस थोड़ा बहुत। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर राख अच्छी तरह से डिसॉल्व हो चुकी है, बड़े बड़े पार्टिकल्स थोड़े बहुत ऊपर रह चुके हैं, उन्हें हम निकाल के साइड कर देंगे। और अब मैं इस जो लिक्विड बन चुका है राख का, इसको मैं फिल करने वाला हूँ वाटर कैन के अंदर, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जिसके द्वारा हम लोग अपने गमलों को पानी देते हैं। तो आइए आप इसके अंदर राख के पानी को डालते हैं, और उससे पहले जितने भी बड़े बड़े कंपोनेंट्स इसमें रह गए राख के, उसको हम लोग साइड कर लेंगे, उसके बाद इसके अंदर हम लोग पानी भरेंगे। तो दोस्तों आपको एक बार हाथ के मदद से अच्छी तरह से नीचे देख लेना है कि राख जो है वो बची तो नहीं है, अभी थोड़ी बहुत घुलने के लिए रह गई है, तो उसे भी आपको अच्छी तरह से एकदम हाथ की मदद से डिसॉल्व कर लेना है पानी के अंदर। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने वाटर कैन के अंदर राख के पानी को जो हमने लिक्विड बनाया था उसे फिल कर लिया है, और हम इसे ले कर चलते हैं अब अपने पौधों में देने के लिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसे हम कुछ टमाटर के पौधों में देने वाले हैं। तो जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, इस टमाटर के पौधे में हम लोग सबसे पहले इसे देंगे। आप ध्यान रखिए कि आपको हल्का ही देना है, पौधों के अंदर ज़्यादा ज़्यादा नहीं देना। तो आपको हल्का सी पौधों में, जैसे कि जो भी आपको सूख रहा है, सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिएगा कि उनमें देना आपको, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने थोड़े बहुत पौधों में दे दिया, कुछ ख़राब पौधे हो रहे हैं तो उनके अंदर भी आप इसे दे सकते हैं। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो सूखा हुआ पौधा हो उसमें सबसे पहले आपको देना है। और दोस्तों ये हमने कुछ टमाटर के पौधों में दिया, अब आगे हम लोग ये बड़े वाले ग्रो बैग में थोड़ा बहुत देंगे पानी पौधों के लिए। इसमें झुगनी वगैरह लग रखी है हमारी, और थोड़े बहुत टमाटर के पौधे भी लग रखे हैं हमारे। और आगे दोस्तों आप देख सकते हैं, तो इसे हम देंगे अपने पपीते के पौधे में, जो कि ये सामने लग रखा है, ये देखिए आप लोग। थोड़ा थोड़ा आपको हर किसी में दे देना है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग इसे देंगे अपने नींबू के पौधों में। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, नींबू लग रहे हैं हमारे पौधे सामने, इसके अंदर हमें दे देना है हल्का सा, ये देखिए। और दोस्तों उसके बाद हम इसे देंगे आम के पौधे में। तो ये रहा दोस्तों आम का पौधा। तो ऐसे ही आपको दोस्तों हर किसी पौधों में आपको दे देना है। और दोस्तों गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आपके पौधों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ शो करेगा, और सर्दियों के अंदर आपके पौधे ख़राब भी नहीं होंगे। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा। लाइक हम रखते हैं 80 लाइक्स का, आई होप कि आप कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।